Hi friends, welcome back to my channel Nature Peace and Life. I hope you all are doing good and taking good care of your health. So today I am going to show how you can make a beautiful planter like this from a waste plastic container. So let's start making this planter. For making this planter, I am using here this plastic container. This was of no use in my home, so I thought to reuse it. So I have taken this plastic container, and then we need some cotton ropes. I have bought this from Amazon. I will put the link in my video description so that if you want, then you can get from there. Then we need deco transfer seed. I have got this from Itsy Bitsy, so I am going to use this design today for my planter. And then we need some wools, and lastly we need hot glue gun. So I am using here hot glue gun. So if you don't have hot glue gun, then you can use any glue like Fabicol. Using Fabicol also anything easily get stick to the surface, so you can use Fabicol if you don't have hot glue gun. So सबसे पहले मैं इस प्लास्टिक कंटेनर पे हॉट ग्लू गन के हेल्प से ये कॉटन रोप स्टिक कर दे रही हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप हॉट ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं तो ईजिली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो हैंड है उसमें ग्लू स्टिक हो सकते हैं, तो आराम से कीजिएगा ताकि ग्लू आपके हैंड में स्टिक ना करे। तो सी इस टाइप से मैं पूरे में कवर कर ले रही हूँ। नाउ मैंने पूरे कंटेनर पे देखिए इस टाइप से कॉटन रोप लगा लिए हैं। नाउ इसके ऊपर ये डेको ट्रांसफर वाले जो डिज़ाइन है उसे स्टिक कर देंगे। सो इसे स्टिक करने के लिए मेथड पीछे में दिए हुए हैं। पहले हमें डिज़ाइन कट करना है, एंड देन ऊपर में एक थिन प्लास्टिक पेपर है उसे रिमूव करना है, देन डिज़ाइन को प्लेस कर देना, एंड देन डैबर एंड वाटर के हेल्प से हमें पेपर को वेट करना है पीछे से, एंड देन वो स्टिक हो जाएंगे। लास्टली हमें डेकोर वार्निश से सील कर देना है। तो मैं ये वाले डिज़ाइन को स्टिक कर रही हूँ। सी ये थिन पेपर है जिसे हम रिमूव कर देंगे। ना मैं यहाँ पे डिज़ाइन को अच्छे से प्लेस कर रही हूँ अपने प्लांटर के ऊपर, एंड देन उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे हर साइड से, एंड उसके ऊपर थोड़े से वाटर स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरे जो डिज़ाइन है वो अच्छे से प्लांटर के ऊपर स्टिक हो जाए। एंड नॉट डैबर के हेल्प से उसे थोड़े से डैब डैब कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन जो है हर साइड से एक फॉर्म में आ जाए एंड स्टिक हो जाए प्लांटर के ऊपर अच्छे से। एंड देन स्लोली वाइट पेपर को रिमूव करेंगे ताकि हमारे जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो एंड अच्छे से आ जाए। सी देखिए कितने अच्छे से ये ट्रांसफ़र हो गए हैं। एंड नाउ यहाँ पे जो थोड़े वाटर दिख रहे हैं तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख दे रही हूँ, अप्रॉक्स हाफ एन आवर, एंड देन इसके ऊपर डेकोर वार्निश लगा देंगे।
ना ये ड्राई हो गए थे स्टिक करने के बाद, तो मैं इस पर भी लगा रही हूँ एक कोट ये डेकोर वार्निश, ग्लॉसी वाले मैं लगा रही हूँ। ब्रश को हमेशा एक ही डायरेक्शन में लेके जाइएगा ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से हो पाए। तो सी मैंने एकदम अच्छे से इस पर वार्निश लगा दिए हैं, नाउ इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। नाउ वार्निश लगाने के बाद ये ड्राई हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से इफ़ेक्ट आए हैं, एकदम ग्लॉसी इफेक्ट आए हैं। नाउ मैं इसके ऊपर यहाँ पे पॉम्पॉम स्टिक करूँगी, इस टाइप से स्कैटर पॉम्पॉम यहाँ पे स्टिक करूँगी। तो स्कैटर पॉम्पॉम बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़े से ऊल, एंड देन इसे ऐसे करके राउंड करते जाना है। नाउ यहाँ पे इसे सेंटर में हम लोग बांध देंगे। नाउ इसे ऐसे सेंटर में टाई करना है लाइक दिस, एकदम टाइटली। एक्स्ट्रा जो ऊल है उसे हम लोग कट कर लेंगे। एंड इधर ऐसे करके सेंटर से कट कर लेंगे। ना इस साइड भी ऐसे ही कट कर लेंगे। ना ये देखिए कितने अच्छे से पॉम्पॉम बन गए हैं, एंड मैंने और भी इस टाइप के पॉम्पॉम बना लिए हैं देखिए। ना ये सारे को यहाँ पे स्टिक करेंगे ग्लू गन के हेल्प से। तो सी देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं मेरे ये प्लांटर, कितने अच्छे से ऊपर से पॉम्पॉम भी लग रहे हैं। नाउ मैं इसमें एक प्लांट लगा रही हूँ, पर मैं इसमें डायरेक्ट सॉइल नहीं डालूँगी, मैं एक दूसरा कंटेनर ले रही हूँ, ये फूड पैकेजिंग वाले कंटेनर जो रेस्टोरेंट से जनरली होम डिलीवरी के टाइम आते हैं, इस टाइप से ही कंटेनर में आते हैं फूड, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉइल, गार्डन सॉइल। एंड देन मैं अपने फेवरेट प्लांट ये स्पाइडर प्लांट को स्पॉट में लगा दूंगी। हाँ देखिए प्लांट लग गए हैं, तो मैं अब इसे इस कंटेनर के अंदर प्लेस कर दे रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से प्यारे से प्लांटर बन गए हैं, प्लांट भी कितने प्यारे लग रहे हैं इसके अंदर सी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई एंड मेरी ये प्लांटर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले जाके, एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल सके। एंड यस आप भी ट्राई करें इस टाइप से प्लांटर बनाना, एंड अगर आप बनाएंगे तो प्लीज़ मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आप मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।